सभी जानते हैं, पिछले दिनों हमारे यहाँ पे दुखद घटना हुई जिसमें हमारे कैब ड्राइवर को अगवा किया गया, जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई 19 शाम, तो हमने तुरंत जो है उस पर कार्रवाई करते हुए 4-5 टीमें बना ली। एक टीम हमने उस गाड़ी का पीछा करने के लिए बनाई, जिसको तुरंत रवाना किया गया। एक टीम हमने कटरा भेजी, वहां पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करके कुछ क्लू मिले। एक हमने टेक्निकल टीम को काम दे दिया जो मोबाइल और सीडीआर का एनालिसिस करने के लिए, और एक सर्च टीम बनाई जो कि हाईवे के आसपास का एरिया सर्च करती है। इस सभी कार्रवाई के दौरान में हमें पब्लिक ने बड़ा सपोर्ट किया, हमें विक्टिम है उनकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, और जिस भी एजेंसी से हमने मदद मांगी उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया उसके लिए। फाइनली जो हमारी टीम बाहर गई थी इस गाड़ी को चेस करते हुए, और जो कटरा में हमारी टीम थी, कटरा से हमें कुछ क्लू मिले, उसके ऊपर काम किया गया, और जो टीम हमारी हरियाणा गई उन सब उनको वो चीजें पास ऑन होती रही टाइम टू टाइम। इन बंदों को हमने आइडेंटिफाई किया और वहां की पुलिस के साथ रब्ता किया, हरियाणा पुलिस ने हमें बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम 11 लोगों को पकड़ पाए, वो सभी को हमने यहां लाया, अपने केस में गिरफ्तार किया, आज प्रमाण भी। और इसमें एसपी रूरल, एसडीपीओ नगरोटा, एसएचओ नगरोटा और एसएचओ जजपुर, इन सब की टीमों ने बहुत बढ़िया काम किया है। हमें सिर्फ इस बात का दुख है कि हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोशिश यह थी कि हम किसी भी तरीके से उस इंडिविजुअल को ढूंढ पाए और उसको सुरक्षित ढूंढ पाए, लेकिन उसमें क्योंकि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आने से पहले ही ये चीज ये घटना को अंजाम दिया गया। तो खैर अभी हमने इस केस को क्रैक किया है और बड़ा जल्दी ही किया है, जिसके लिए पूरी टीम जो है बधाई की बात है, और हम आपके माध्यम से आप जनता को आश्वस्त भी करवाना चाहते हैं कि इसमें जो भी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होगी, जो मैक्सिमम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होगा, उसका हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे। सर उद्देश्य क्या था इस सबके पीछे का? देखिए अभी ये जो है ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इतनी जल्दी हम उद्देश्य को हम आपको बता रहे। देखिए नहीं, जब जब हमारी टीम वहां थी तो इनको पकड़ने के लिए जब निकली है तो ये लोग भाग रहे थे, तो हमारी टीम ने जो हरियाणा की पुलिस ने इनको डराने के लिए इनको चेज करने के क्रॉस फायरिंग के लिए देखिए जो अभी तक जानकारी मिली है कि एक दो बंदे वहां पे भी किसी केसेस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन अभी क्योंकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज है हमें पूछने का टाइम भी नहीं मिला है। अभी जब गिरफ्तारी हुई है तो जो मोटी मोटी चीजें हैं वो मैंने आपको ये सभी के सभी बाहर के हैं, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरियाणा में,
वहां के रहने वाले हैं, नागत से रथ है, तो आपको ये डिटेल सारी शेयर की जाएगी। सर कटरा में 8 लोग रह गए थे, 11 की विकेट, 3 लोगों का क्या होता है? तो उसमें क्या होता है कि कभी भी कोई घटना होती है, घटना करने वाला एक या दो आदमी होता है, लेकिन उसका साथ देने वाले बड़े सारे। तो क्या 11 लोग गए थे कटरा या 8 लोग? अभी 7 या 8 लोग कटरा में थे, ये जो 4 या 3 लोग हैं ये उनको हार्बरिंग के उसमें आपको देखिए, ये जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो जैसे पता चलेगा। ये भी अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पोस्टमार्टम तो हो गया, प्रीलिमिनरी कुछ तो बताया होगा। देखिए पोस्टमार्टम अभी हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में भी टाइम लगता है। क्या कुछ इनसे बरामद हुआ है जो अभी तक आपने? कुछ सामान बरामद हुआ है, टोके शोके और उस तरह के चीजें। सर रिपीटेडली इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पर कुछ बाइकर्स आके गाड़ियों को हिट करते हैं, तो क्या कोई इस तरह का ध्यान रखती है यहाँ पर? एनी इनपुट रिगार्डिंग दैट? नहीं, आप देखिए हम इस केस के बारे में बात कर रहे हैं। सर ये लोग पहले भी इस केस में जम्मू में कुछ ऐसा इनकी तरफ से किया गया या ऐसा पहला देखिए अभी मैं वही बता रहा हूँ आपको कि अभी हमने जस्ट इनको गिरफ्तार किया है। अभी ये जितने भी सवाल आपके जहन में है ये सभी सवाल हमारे भी जहन में। अभी कुछ नहीं कहा सर, पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग था ये केस? देखिए चैलेंजिंग तो रहता ही है क्योंकि आपके पास कोई क्लू नहीं, आपके पास सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन है कि एक गाड़ी जो कि जो ड्राइवर था उसने अपनी सिस्टर को फोन किया कि मैं ये सवारी छोड़ के आपके पास 2 बजे तक आ जाऊं, उस दिन रक्षाबंधन था। तो जब शाम तक वो आदमी नहीं आया तो फिर वो लोग हमारे पास आए और बिल्कुल क्लूलेस थे हम लोग की इसको आगे कैसा करना चाहिए। सर इनका टारगेट या कोई किसी और मंशा से या टारगेट ये हो गया, टारगेट ये था इनका? देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने जस्ट टारगेट डिमांड किया है तो हमें थोड़ी पूछताछ करने का मौका दीजिए। तो 2-4 दिन जब हम अच्छे से गहनता से इसकी अभी तक ये है कि ये वारदात इन लोगों ने करी। सर अभी तक क्या कोई गैंगस्टर लिंक इनका सामने आया है या इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट? ये भी डबल एस हमें बताना मुश्किल है। कुछ और ड्राइवर को लेकर क्या फिनाइट में जाने करेंगे क्योंकि ये एपिसोड अगर एक हुआ किसी और के साथ ना हो? देखिए ये क्या कुछ है सर, ड्राइवर जो है इस समय डरे हुए हैं आप उनके लिए क्या कुछ आप कहेंगे, किस तरह की सिचुएशन है क्योंकि सवारियां वो बिठाते हैं? देखिए एक चीज आपको बता दें कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वारदात की घटना हुई है और इस घटना को हमने पुलिस ने जल्द अज जल्द सॉल्व कर लिया। लेकिन देखिए यहाँ से हजारों गाड़ियां जो है, हजारों लोग ये काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि खुलेआम ये सारी चीजें। किसी और लोगों को देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने सवाल आपके जहन में है वो सारे हमारे जहन में भी है। कन्फेशन देखिए कन्फेशन है ना कि ये लोगों ने ये काम करने वाले नहीं लोग हैं, ये जो घटना मर्डर किया गया वो भी पार्ट ऑफ सर। जम्मू में काफी इंसिडेंट इस तरह के अब होने लगे हैं, पहले आरिफपुरा में भी कुछ हुआ था, फायरिंग वगैरह भी, क्या कुछ ऐसा प्लान किया जा रहा है स्पेशली कैब ड्राइवर्स के लिए, सीसीटीवी कैमरा इंफॉर्मेशन गाड़ियों में भी और रूट भी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि क्लूलेस रहे आपने कहा समय के लिए, बट सर इस तरह से इन चीजों को बेहतर किया जाए उसके लिए कुछ प्लान किया? इस तरह की हदायतें जो है वार्डी सभी ड्राइवर्स कैब ड्राइवर्स को बताया गया और उसमें कैमराज लगाने के लिए सबको ऑलरेडी बताया गया होगा, हमारे से पहले ही बताया गया होगा। इसके अलावा हाईवे के ऊपर जो है एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएंगे, ये सिर्फ जम्मू नहीं जम्मू पूरे हाईवे से लेकर श्रीनगर प्रोसेस चल रहा है। सर जनता को क्या कहेंगे, खास करके ड्राइवर तबके समय डर के माहौल में कि एक ग्रो गिरो आता है कुछ पाता है और ड्राइवर को अटक करता है, यानी उन्हें किडनैप करता है उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है,
क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये सभी से अपील करूंगा कि हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है अपने अपने लेवल पर। अगर किसी को भी इस तरह का शक मालूम होता है, किसी के ऊपर शक जाता है, पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करें और टाइम ले। बाहरी राज्य से यहाँ पर आए हुए थे, तो किस मंशा से जम्मू आए थे? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मैं बात कर रहा हूँ। सर, परिवार कहना है बड़ा अच्छा काम पुलिस ने यहाँ दिखाया है, चंद घंटों में गिरफ्तार किया, ऐसा परिवार कह रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लैक ऑफ सीसीटीवी फुटेज के कारण चेहरे तक नहीं पहचाने जा रहे थे, गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। क्या आपको भी दिक्कत है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन? देखिए, दिक्कत होती है, लेकिन हमारा काम ही है दिक्कतों के साथ फाइट करना, हमारा काम ही है। सर, एक सवाल है सर, जनरली जैसा आपने बताया कि डिफरेंट एजेंसीज ने आपको कॉन्टेक्ट किया है इस जगह पे, इस तरह के जो वारदात जो है वो आगे ना हो, जम्मू पुलिस क्या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और बाकी जो लोकल एजेंसीज है उनके साथ मिलकर कुछ इस तरह के इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो कैब ड्राइवर्स है, एटलीस्ट जनरली क्या होता है कि जब किसी तरह की गाड़ी बुक की जाती है तो उसमें किसी तरह का डॉक्यूमेंट जो है वो ड्राइवर को हैंड ओवर नहीं किया जाता, क्या ऐसा फ्यूचर कोर्स एक्शन में ना हो, किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर जो है वो लिए जा सके आप एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी लोकल एजेंसीज को? ये बात की जाएगी जब हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, उसको एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद जो है उस पॉइंट्स को लेके एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी एजेंसी के साथ और इन्हीं दिनों में स्मगलिंग जिससे हट के आपने सवाल किया है, मोटी मोटी चीज मैं ये बता दूं कि पिछले इलेक्शन में सभी की कोऑपरेशन से, पब्लिक की, मीडिया की, एडमिनिस्ट्रेशन की, हम सभी लोगों की कोऑपरेशन से और कोऑर्डिनेशन से इस चीज सफल हो पाए। तो मैं इस चीज को एक टर्म मानता हूँ, डेमोक्रेसी का टर्म मानता हूँ। तो मैं आपके माध्यम से पब्लिक को ये बताना चाहूंगा, बजट में इसमें हिस्सा ले, ये डेमोक्रेसी का पर्व है, हम सबको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और बिना खौफ के लेना चाहिए। जितनी भी सिक्योरिटी की व्यवस्था है उसका हम पूरी तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे। हाँ, जहां तक रहा चेकिंग इसकी और बाकी चीजों का स्टॉक, वो स्पेशल टीमें बनती है, उस टीमें हमारी बन गई है जो काम भी कर रही है, जिसमें फ्लाइंग स्टार से बाकी चीजें जो जिसमें मजिस्ट्रेट भी रहते हैं, जॉइंट भी होता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इसके अलावा हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है और लैंड आर्डर उसके ऊपर भी हमारी बहुत। तो मेरा ये रहेगा सभी जनता से, नाकों के या स्पेशल स्कॉट आते हैं उससे, या जहां भी हमारे चेकिंग फेसिंग करने की प्लीज कोऑपरेट करें, ये हमारी करना चाहिए।